and most merciful class assalamu alaikum to all of you we had started our first chapter and uh, i discussed about the different concepts which are uh, uh, which had been the basic concepts and uh, which uh, um, uh, we will pursue in the in, uh, whole uh, book, I think, and but uh, these were the basic concepts which need, uh, needs needs clarification before it start. So uh, I had uh, I explained this uh, slide uh, and each point in detail in the, in my first like uh, previous lectures. So uh, today we will discuss about the different definitions of organizational development. And uh, change because uh, uh, organizational development. Uh, yeah, um, uh, 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 we had discussed its basic uh, roots and uh, different uh, uh, its different scenarios in our uh, course outline and uh, and in our previous slide in the first slide when we started this lec uh, lecture uh, formally. Uh, we had discussed about the mm, about basic uh, grounds. Uh, so uh, today we will discuss about the definitions of the organizational development. Uh, i have gathered these definitions from different sources and uh, you will combine these and uh, make it as a. Uh, i have uh, planned, i have uh, tried my level best to. Uh, uh, conclude all these in a uh, few slides because the definition is not uh, uh, is very comprehensive and uh, we have defined it and uh, in the course outline as well. So uh, be, uh, the formal definitions by different. Um,

एकदम से आफत आ गई है ठीक है एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ये हमारे लिए इम्तहान समझ लिया कुछ भी है. तो ये और उसकी वजह से हमारी पॉलिसी के अंदर और ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी पॉलिसीज के अंदर हर एक को जैसे यूनिवर्सिटी है उसको अपनी पॉलिसी में किसी तक कुछ दो से तीन माह के लिए या इस सेमेस्टर के लिए एक ख़ास किस्म की प्लानिंग करनी पड़ रही है अब ये जो है ये प्लांट नहीं है क्योंकि ये एकदम से इम्पोज़ की गई इम्पोज़ हो गई है हम लोगों के ऊपर एक, एक, एक किसी रीज़न की वजह से ठीक है ना एक रीज़न है उसके पीछे और उसकी वजह से ये इम्पोज़ हो गया जबकि ये प्लान नहीं है हमारा प्लान नहीं था इस मैस्टर को एक ऑनलाइन एफर्ट के तौर पर लेके चले बट यानी कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं कभी भी डिसाइड किया था कि हम लोग इसको ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे और फॉर्मल क्लासेस नहीं होंगी सो so, जो अभी का सिनेरियो है दैट इज़ नॉट प्लान्ड सो प्लान ये जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की एफर्ट्स हैं ये प्लान आ, प्लान चेंज के लिए हैं ठीक है ना प्लान जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ, आ, एक, एक चेंज को ने एक पूरी प्लानिंग के साथ और इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स उसके लीडर्स उसके डायरेक्टर्स और सारे मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और एक ऐसी एफर्ट की जाएगी कि लो आ, उसको आ, जो चेंज है कोई सा भी Uh, उसको एक्सेप्ट करें और, uh, और उसको इम्प्लीमेंट करें ठीक है ना तो ये एक हमारी प्लैंड प्रोसेस एक चेंज जो है हमारी वाली जो एफर्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के नाम से ये हमारी एक प्लैंड एफर्ट है ठीक है फर्स्ट डेफिनेशन तो आपने इधर से देख लेनी है ठीक है प्लैंड प्रोसेस ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ठीक है ना ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर थ्रो दूटिलाईजेशन बिहेवियरल साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड थ्योरी ठीक है एक पहली बात जो हमने आ, आ, पहले हम लेक्चर्स में उस चीज़ को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वो है कि बिहेवियरल साइंस जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को आपने स्टडी किया है और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और बहुत सारे इससे रिलेटेड कोर्सेज की इम्प्लीमेंटेशन ठीक है एप्लीकेशन लेवल का ये कोर्स है सो so, इसकी एप्लीकेशन को इंश्योर करने के लिए हम कुछ केस स्टडीज़ जो हैं वो देखेंगे और इसका जो ऐप आपने अपने आप को एज ए ओ डी प्रैक्टिशनर लेना है ठीक है आप स्टूडेंट्स नहीं हैं आप कस्टमर्स नहीं हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तो आप क्या हैं आप ओ डी कंसल्टेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के कंसल्टेंट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करेंगी ठीक है आपने इस कोर्स को इस परस्पेक्टिव से स्टडी करना है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल किया और आप और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लान चेंज एफर्ट लाना चाहते हैं और उस चेंज को Uh, उस चेंज की पूरी उन्होंने पॉलिसी आपसे बनवानी है और आपका पूरा और uh, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी और आप वो कैसे डायग्नोस करेंगे और एक एक, एक ख़ास लेवल पे एक, इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को एक नए लेवल पर लेके जाना है तो ये एक प्लैंड एफर्ट है और यह ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है थीके? उसकी एप्लीकेशन है ठीक है उसकी रिसर्च और थ्योरी है ठीक है ये पहली आपकी जो लाइन है पॉइंट है इसको हमने एक तरह से इसको एक्सप्लेन किया और दूसरी बात ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को टारगेट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के थ्रू अब कल्चर क्या चीज़ होती है कल्चर जो है जब इनफॉर्मल आप समझ लें कि इंटरेक्शन ऑफ पीपल एट वर्क आप कहें और जब हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात कर रहे हैं तो उनकी आ, उनका आपस में इंटरेक्शन क्या कैसा है इंप्लॉयज़ आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं आ, और दूसरी बात ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आ, वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पोर्ट्रे करते हैं ठीक है एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस आप एक कल्चर के उनके पॉइंट ऑफ व्यू या एक आप ले लें कि जैसे एक एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जब आप उनके अंदर एंटर होते हो तो आपको एक वाजिया डिफरेंस नजर आता है वाजिया डिफरेंस वाजिया डिफरेंस ये कि जैसे ही आप एंटर होते हो किसी मल्टीनेशनल या बैंक बैंकिंग सेंटर किसी में जो कि इंस्टीट्यूशंस हैं और बड़े आ, कस्टमाइज uh, किस्म के इंस्टीट्यूशन हैं जब आप उनके कल्चर में एंटर होते हो तो एकदम से कोई ना कोई आपका जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है या कोई भी फटाफट फ़ड़ से आके आपको गाइड करता है और चीजें और आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम एंड और हम आपसे प्रॉब्लम पूछते हैं और आपका उसको सोलूशन के लिए आपको गाइड कर देता है कि आप फलाने के पास चले जाए ठीक है एक मल्टानेशनल का ये कल्चर है ठीक है और उन्होंने चीज़ को इस तरह से डिजाइन किया हुआ दूसरी बात जब हम एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आपको पता है कि जब आप जाते हो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में तो पहली की बात हो कि किसी ने आपको पूछना ही नहीं है फिर अगर आपको किसी ने आपने किसी से को ढूंढ के फिर पूछोग फिर आपको कभी वो गलत गाइड कर देंगे कभी कहेंगे फलाने से पूछ लें फलाने से पूछ लें सो तो ये एक छोटा सा जो डिफरेंस है एक गवर्नमेंट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट की कि जो इस तरह से इन ग्राउंड के ऊपर इस्टेब्लिश नहीं की जाती और उनका आपस का बिहेवियर और ये सारी जो चीज़ें सो so, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है आ, वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है ठीक है और वहाँ से आप लोग उसको पोर्ट्रे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आ, इस, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं सो so, जो ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोग देखें तो वो ऑर्गेनाइजेशन है कंपोजिशन ऑफ पीपल ही है जो अब अब जो दीवारें लगी हुई हैं या फिर जो स्ट्रक्चर है वो तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना सिर्फ आपकी जो लोग वहाँ पे काम करते हैं असल में कम, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की को कंपोज करते हैं सो ऑर्गेनाइजेशन सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज ए सिस्टम वाइड प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज एम्ड टूवर्ड्स इम्प्रोविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस ठीक है आपको एक ये प्लान चेंज एफर्ट है ये यह हमने यहाँ से क्लियर किया और दूसरी बात आपको क्या इंश्योर करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस ठीक है अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ये आप समझ लो कि इसकी बिल्कुल स्टार्ट से जब से इसकी डेवलपमेंट हुई है जब से इसकी हिस्ट्री हुई है 1948 से ले लो या 1950 से ले लो इसको क्योंकि हम कहीं ना कहीं रूट्स इसकी स्टेब्लिश करते हैं ना तो इस वजह से आप ये देखोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डेवलपमेंट इज़ ए सिस्टम वाइड ये सिस्टम वाइड होगी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी और दूसरी बात ये ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए वो ये यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं इफेक्टिवनेस आपको पता है कि जो होती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट आपको मैंने लास्ट वाले लेक्चर में दे दिया है और इफेक्टिवनेस जब आपके जहन में आए तो आपने इस चीज़ को देखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और दूसरी बात आपकी क्वालिटी इंश्योर हो रही है ठीक है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा वो फुलफिल हो रहा है या नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस दिखाती है थ्रू इन्हांस कॉन्ग्रेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अब ये थर्ड पॉइंट थ्रू कॉन्ग्रेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसके अंदर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होगी क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एज एन ओपन सिस्टम ले रहे हैं ठीक है क्लोज सिस्टम नहीं ले रहे क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन आप लास्ट लेक्चर में हमने स्टेक होल्डर्स की बात की थी और वो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सारे Uh, ज़्यादातर uh, वो आपकी एक्सटर्नल इन्वामेंट से आते हैं सो so, हम यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन uh, की जो एफर्ट्स uh, की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइड एफर्ट की बात कर रहे हैं, और uh, इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को आइसोलेशन में नहीं देख रहे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को uh, आइसोलेशन अकेले नहीं देख रहे बल्कि हम लोग उसको किस में देख रहे हैं एक पूरी इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही है जहाँ पे उसके कंपटीशन है जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं कस्टमर्स डिफरेंट डाइवर्सिटी है कस्टमर्स की और और वहाँ पे कंपटीशन में ऐसे कस्टम पूरी दुनिया इन्वॉल्व है सो एक्सटर्नल इन्वामेंट के अंदर हम लोग देख रहे हैं फिर मिशन स्ट्रेटजी अब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट थ्रू एनहांक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिशन स्ट्रेटी लीडरशिप उसकी लीडरशिप इसके अंदर इन्वॉल्व है कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन नल वर्क पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ठीक है ये सारे जो हैं ये एक इसके हेड्स हैं और ये हम लोग कोर्स uh, आउटलाइन में भी हमने इसको पूरा अच्छे तरीके से uh, देखा था कि हम लोग ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशन uh, के अंदर इनको हाईलाइट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कोर्स के अंदर ठीक है अब जो सेकेंड डेफिनेशन आप समझ लो कि ये है ऑर्गेनाइजेशन द लॉन्ग रेंज एफर्ट्स टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ अब दूसरा मकसद क्या है हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं डेवलपमेंट करना क्यों चाह रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके और प्रॉब्लम यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एकदम से वो, वो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे वो इतनी ट्रेंड हो कि उसको उसके वो इतनी कैपेबल हो कि उनको हैंडल कर सके ठीक है अब ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की एफर्ट्स हैं और ये डेफिनेशंस हैं जो इसकी रूट होती भी आ रही हैं और ये किन कॉन्सेप्ट को लेते हैं हम लोग ये भी इसमें देख रहे हैं सो प्लैंट चेंज के बाद और ऑर्गेनाइजेशनल uh, कल्चर के बाद और ये तीसरी बात के प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज को आपके इम्प्रूव uh, करना एंड इट्स एबिलिटी टू को विद चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कि वो एक्सटर्नल इन्वामेंट में जो भी कुछ हो रहा है आ, उसके साथ वो आ, 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 उसको एक्सेप्ट कर सकें ठीक है थीके? जो भी जो भी जो भी एक्टिविटी एक्सटर्नल इन्वामेंट में आपका कंपेटेड कर रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ रही हैं या आपके टैक्स इंपोजिशन हो रही है और उससे रिलेटेड जितनी भी आपके चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर एक्सटर्नल इन्वामेंट के अंदर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी कैपेबल हो कि वो उनको टाइमली इन चीज़ को इंश्योर कर आ, उसको आ, 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 ला, आ, उसको उसको सॉल्व कर सके ठीक है तो विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कॉल्ड ठीक है और मैनेज फ्रॉम टॉप कि जब तक टॉप मैनेजमेंट नहीं इसमें, इसमें इन्वॉल्व होगी क्योंकि ये प्लान एफर्ट है इसलिए टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है मैनेज फ्रॉम टॉप होगा टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल in डेवलपमेंट की से, फर्स्ट से हमने लिया प्लान्ड एफर्ट है और ऑर्गेनाइजेशन वाइड है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसके बाद यहाँ पर लिया हमने की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी उसकी इम्प्रूव हो सके And, uh, No, uh, पढ़ा किसम यही बता रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज एम वाइड प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन डायग्नोसिस एक्शन प्लानिंग डायग्नोसिस क्या होता है कि आपके डायग्नोस करना आइडेंटिफाई uh, करना क्या प्रॉब्लम क्या है ठीक है आइडेंटिफाई करना और uh, उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन डाटा कलेक्ट करना है कि बाकी कि प्रॉब्लम किस जगह पर एग्जिस्ट करती है अच्छा ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है ये सोशल सोशल चेंज प्रोग्राम्स की बात करता है ठीक है सोशल चेंज प्रोग्राम्स मतलब कि कल्चर की बात करता है ऑर्गेनाइजेशन के आ, लोगों के आ, 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 लोगों के जो आ, उन, उन उनसे रिलेटेड चेंज एफर्ट्स है ना उनके बिहेवियर से रिलेटेड लोग कैसे बिहेव करिए एक दूसरे के साथ और इस तरह की चीज़ों को ये डील करता है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है तो सबसे पहले आपका है कि प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन डायग्नोसिस एक्शन प्लानिंग यानी कि जैसे अभी कोई कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है फिर जो, जो ओडी जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो अपने आ, वो डिस्कस करते हैं ऑर्गनाइजेशन के लीडर्स के साथ अगर उनको भी प्रॉब्लम यही नजर आती है और उनको ये सोल्यूशन नजर आता है तो फिर उनका आ, उनके आपस में कंसेंसस हो जाता है और वो उसके ऊपर एक्शन प्लानिंग करते हैं उसके ऊपर एक्शन लेते हैं अब एक्शन लेने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आपका आ, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए हो सकता है कि जब आप प्लान एक्शन लेने जा रहे हो तो आपको बहुत सारी और ऐसी आपको और प्रॉब्लम्स नज़र आ जाए ठीक है फिर आप दोबारा से उनको नोट डाउन करते हो और उसके बाद फिर दोबारा से लीडर्स के पास जाते हो डिस्कशन करते हो यानी कि ये जो सारा प्रोसेस है ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा यानी कि अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप अकेले ही नहीं बैठे सब कुछ डिसाइड करें बल्कि आपने अपने क्लाइंट को अब आपकी जो क्लाइंट है वो क्या है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने क्लाइंट को आप आ, देख रहे आ, वो, हर जो फैसला ले रहे हो जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो जो भी प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही हैं या जो आपको लीडर ने बताई है एक तो वो प्रॉब्लम और दूसरी आपको नई प्रॉब्लम्स जो नजर आ रही हैं वो सारी किसके ऊपर बेस कर रही हैं कि आपकी आपके जो आ, जो आप आपने उनके साथ डिस्कस करना है अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के से उनके साथ अब इंटरवेंशन की बात करें इंटरवेंशन होता है कि इंटरवीन करना किसी चीज के अंदर दाखिल होना ठीक है ये इंटरवेंशन इसके किसी चीज के अंदर दाखिल होना या इंटरवीन करना अब इंट, आप प्रैक्टिशनर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ओडी प्रैक्टिशनर हो तो आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटरवीन करना है ठीक है डिफरेंट हेड्स हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट फाइनेंस का डिपार्टमेंट है फिर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है फिर आपके पास ऑपरेशन डिपार्टमेंट है आपने फिर सारों के अंदर जैसे अगर आप डिपार्टमेंट वाइज इनको इंटरवीन करना चाह रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या करते हो कि इंटरवीन uh, मतलब कि आपने उनके साथ uh, uh, और उनके अंदर मदाखलत करनी है ठीक है उनके कामों में मदाखलत करनी है इंटरवेंशन का मतलब यह है कि आप उनके अंदर गए और ह्यूमन प्रोसेस है जैसे वो इंटरवेंशन की बात करते हैं फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज हैं उनको एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए उनकी उनको ओरिएंट करवाने के लिए नए इम्प्लॉयज हैं अगर तो, तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ओडी प्रैक्टिशनर क्या कह रहा है इंटरव्यून कर कह रहा है कि उनको देख रहा है वो इंटरव्यू क्यों कर रहा है ताकि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आ सके ठीक है अब इम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लेट आते हैं एक आपका टाइम है और आपका टाइम मैटर करता है जैसे बैंकिंग सेक्टर है उधर आपका टाइम मैटर करता है नाइन नाइन ओ क्लाक का मतलब कि कस्टमर ने आपके बाहर रहना है और इम्प्लॉयज को नाइन ओ क्लाक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन अब एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि उधर टाइम मैटर नहीं करता क्योंकि कस्टमर जो है आ, वो इतनी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता बल्कि ऑफिशियल है वो आपका वेरी कर सकता है अब आ, अब हर एक लेवल के लिए एक मैनेजेरियल लेवल के लिए टाइम का के बारे में देखना और सारी अब ये कहाँ रहे हैं अब ह्यूमन रिसोर्स के आ, जो मामला हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं कि आपने टाइम को कैसे डिफाइन करना है और उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए तो ये इंटरवेंशन ह्यूमन रिसोर्स में हो जाएगी एंड देन इवेल्यूशन एंड और ये इन सारी चीज़ों का एम क्या होता है इनहसिंग कॉन्ग्रेंस अमंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है आ, उसके उसको कॉन्ग्रन लाया जा सके अब स्ट्रेट जिसमें प्रोसेस स्ट्रेटेजी आपने कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको उसको देखा जा सके उसको प्रेजेंट चीज को देखना है पहले और उसके बाद लोग क्या करते हैं पीपल एंड कल्चर और कैसा कल्चर है ठीक है इन सारी चीजों के बारे में अपना अनैलिसिस डिवेलपिंग न्यू एंड क्रिएटिव ऑर्गनाइजेशनल सोलूशन यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है और आप उनको सोल्व अब आपका एज एन ओडी प्रैक्टिशनर क्या काम है डेवलपिंग न्यू एंड क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशनल सोलूशन के अपने ऑर्गेनाइजेशन को इससे रिलेटेड सोल्यूशन देने हैं डिवेलपिंग न्यू एंड क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन सोलूशन एंड देन डिवेलपिंग ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ रीन्यूइंगी और ऑर्गनाइजेशन को ऐसे पैटर्न पर डिवेल्प कर देना है के आ, आ, उन वो आ, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो आपको ख़ुद बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशंस ला के दें खुद बहुत आपके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उनका सॉल्यूशंस ला के सोल्यूशन ला के दें और लोग इनके ऊपर अपने आपको लर्न करें अपने बिहेवियर से लर्न करें अपने एक्टिविटी से लर्न करें और लोग एक दूसरे को बताएँ ठीक है उनका एक ऐसा कल्चर बन जाए कि वो लर्निंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन सके

Uh, यहाँ पर हो रही है थोड़ी सी नेक्स्ट uh, में आपको मजीद ये कंपोज uh, होती नजर आएंगी ठीक है अब वैल्यूज की बात कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या होती हैं लार्जली ह्यूमनिस्टिक मैंने कि ह्यूमन को आपको मशीन नहीं समझना बल्कि ह्यूमंस uh, को ह्यूमन समझना ठीक है फिर एप्लीकेशन ऑफ द दर्गनाइजेशन बिहेवियरल साइंसेस एंड देन ओपन सिस्टम थ्योरी ठीक है अब यहाँ पे जो अप्लाइड बिहेवियरल साइंस यानी कि ये ओडी है और अप्लाइड बिहेवियरल साइंस का ये एक डिसिप्लिन uh, है ठीक ओडीज एन एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस प्योर बेसिक साइंस एंड जनर नॉलेज ठीक है अप्लाइड साइंस है नॉलेज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अब आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो एक थेरी है वो जन, आपके पास नॉलेज का एक पूरा पूल है और आपने उसको अब अप, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेशन लेवल पे किस तरह से बनाना है कि वो आपके गाँव के ऑर्गेइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके अब ये प्रैक्टिस थ्योरी क्या चीज़ है डायग्नोजिंग दिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में देन सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन डायग्नोसिस जो भी आपने डायग्नोस किए हैं प्रॉब्लम्स एंड फाइनली फाइनलीवेल्यूटिंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स कि आप उनका ट्रीटमेंट दे सकें अच्छा ये जो है आपका ओडी प्रैक्टिशनर का और ऑर्गेनाइजेशन का जो है आप कस्टमर और उसका तो है रिलेशन मतलब लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उसको कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसके मुताबिक हमें दवाई दी जाए ये वैसा रिलेशन नहीं है बल्कि ये आपकी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों के ग्रुप से रिलेटेड या आप समझ लो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है और ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा अब वो आप बीइंग एन प्रैक्टिशनर आप एक दवाई प्रस्क्राइब कर दोगे कि ये दवाई दे, दे दें तो ये जो इनका जो बिहेवियर है ये सारे सिद्धे हो जाएंगे ऐसे नहीं है ऐसे होता नहीं है इस तरह से ये ये वो वाला रिलेशन नहीं है यानी कि डॉक्टर एक चीज़ आपको बता आप डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और उसका सोल्यूशन देता है ऐसा नहीं है जो ओडी प्रैक्टिशनर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है पहली बात आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करता है फिर ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से उसकी जितनी भी हैं प्रॉब्लम्स और चीजें वो सारी आइडेंटिफाई करता है कि इसकी करंट सिचुएशन क्या है और वो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता है वो उसके पास कुछ सजेशंस चाहिए होती हैं ये आपका वो भी चाहिए ना कि पहले आपको करंट सिनेरियो पता हो कि uh, इस वक्त प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजेशन की स्टेज क्या है और दूसरी बात आपकी मीटिंग्स बहुत मैटर करती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं वो असल में चाह क्या रहे हैं वो करना क्या चाह रहे हैं वो किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाना चाह रहे हैं और वो अपने आप को कहाँ पर समझते हैं कि वो लाए करते हैं प्रैक्टिकल रिसर्च एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस थ्योरी ठीक है अब व्हाट हेल्प्स मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ये प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस रिसर्च वो इसको कहती है और साइंस थ्योरी रिसर्च एंड बिहेवियरल बिहेवियरल साइंस थ्योरी और ये सबके व्हाट हेल्प्स मी सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स ठीक है और ये सारा जो है वो अप्लाइड बिहेवियरल साइंस जो क्योंकि ओडी है ये हम उसको टारगेट करते हैं ये पूरी जो स्लाइड है इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना उसको अंडरस्टैंड करना है कि प्रैक्टिस क्या है और थ्योरी क्या है थ्योरी जो रिटर्न वर्क है और उसको तो एक ऑर्गनाइजेशन को देखा है उन्होंने उससे रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशनस दिए हुए हैं लेकिन वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहरा है हर हर मरीज डिफरेंट होता है तो उसकी नेचर डिफरेंट होती है उसकी वर्किंग डिफरेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग डिफरेंट है उसकी नेचर डिफरेंट है तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का वो बना तो आपका पोस्ट